देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड था। फर्स्ट में तो मेरे पास में बनी बनाई इक्वेशन थी, उनको मैंने सोल्व कर लिया था। सेकंड में उसमें लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि पहले आपको इक्वेशंस बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। होता था ना कभी कभी एलिमिनेट करते हुए कि मेरे दोनों ही वेरिएबल्स कैंसिल हो गए, तो उस केस में तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इनफिनाइट आता है, फिर नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे करना है मुझे? बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो 5 या 6 पार्ट हैं इसके, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। और देखो मोस्टली क्वेश्चंस मेरे कुछ इस तरीके से ही मिलेंगे आपको, एज वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, फ्रैक्शन वाले हो गए, डिजिट्स वाले हो गए, ठीक है, या फिर कोई मतलब चार्जेस वगैरह वाले क्वेश्चन हो गए, इस तरीके से कॉस्ट कॉस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? लिखा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि अगर मैं 1 ऐड करूं कहां पर? न्यूमरेटर में, और 1 सब्ट्रैक्ट करूं कहां से? डिनोमिनेटर से। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या कहा उसने? अगर मैं फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 1 हो जाएगी। पहली कंडीशन तो ये गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? इट बिकम्स 1/2, कि वो 1/2 हो जाएगा। कौन? फ्रैक्शन। कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमेटर, कि अगर हम सिर्फ डिनोमेटर में क्या ऐड करते हैं? 1 ऐड करते हैं और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करें, तो फिर उस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो बोल रहा व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। तो जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको दो चीजें लेट करनी होती हैं, कौन? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर तभी तो फ्रैक्शन बनता है। तो मैंने क्या करा, मैंने लेट किया, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स। न्यूमरेटर कितना लेट करा मैंने? एक्स। एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई। डिनोमिनेटर को कितना लेट करा मैंने? वाई लेट करा। तो फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स अपॉन वाई, ये होगा आपका फ्रैक्शन, एक्स अपॉन वाई। तो अब आपको इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए दो कंडीशंस मुझे गिवन है, क्योंकि जैसे ही आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो एक्स अपॉन वाई आपका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखो कंडीशंस क्या थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट में उसने कहा था कि अगर आप न्यूमरेटर में क्या करते हो? 1 ऐड करते हो और डिनोमेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो। तो देखो न्यूमरेटर में मैंने 1 ऐड करा तो x प्लस 1, और डिनोमेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो x माइनस 1, तो आपके फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1, इट रिड्यूसेस टू 1, तो देखो इक्वल टू 1 आ गया। यही तो थी मेरी फर्स्ट कंडीशन, कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1 इक्वल्स टू, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो इक्वल्स टू 1। अब ये y माइनस 1 को धर लेंगे 1 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 इंटू 1 y माइनस 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। बेटा y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो माइनस होगा x माइनस y, और ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1, इक्वल टू में भी माइनस 1 है और ये 1 भी उधर जाके माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 माइनस 1 कितना बच जाएगा? माइनस 2। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, क्या? x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या गिवन थी? उसने कहा था कि अगर मैं अपने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूँ, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना था, सेकंड कंडीशन में अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ? 1 ऐड करता हूँ, तो मेरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो देखो एक्स अपॉन में वाई प्लस 1, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया मैंने और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1/2 के इक्वल आ जाएगी, तो इक्वल टू 1/2। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 की मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई y प्लस 1 के साथ, तो 2 इंटू x 2x, और y प्लस 1 इंटू 1 कितना? y प्लस 1। y को लेफ्ट साइड ले आओ इधर, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 1, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक बार और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो मैंने एक बार और सोल्व करके दिखा दिया है आपको। बेटा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है मेरा अपने वेरिएबल्स को सेम करना। क्या करना? अपने वेरिएबल्स को के कोफिशियंट्स को सेम करना। अब वो कोई से भी वेरिएबल के कोफिशियंट को आप सेम कर सकते हो। अब यहाँ देखो करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्यों? फर्स्ट इक्वेशन में वाई के साथ कुछ नहीं है और सेकेंड इक्वेशन में वाई के साथ कुछ नहीं है, मतलब दोनों का कोफिशियंट कौन है? 1, ऑलरेडी सेम है, तो लिख दिया मैंने एज इट इज। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दोनों इक्वेशन एज इट इज लिखी हुई है। फिर हम चेक करते थे जिस वेरिएबल के कोफिशियंट्स को आपने सेम किया है, क्या उसके साइन सेम है या डिफरेंट है, मतलब जो वेरिएबल्स आपने सेम सेम बनाए हैं अब उनके साइन चेक करने हैं। अगर उनके साइन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि एक प्लस है एक माइनस है,
तो हम सिंपली ऐड कर देते थे। अगर उनके साइन सेम सेम है किया तो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, तो हम क्या करते हैं साइन चेंज कर लेते हैं अपने नीचे वाली वैल्यूज का। तो देखो सबका साइन चेंज करा, ये 2x प्लस बोलना। मैंने कहा कि अगर जैसे ही मैंने अपने वेरिएबल के कोफिशियंट्स को सेम किया तो वाई के जो कोफिशियंट्स है ऑलरेडी सेम है, 1-1 है दोनों में। अब मुझे चेक करना है कि इनके साइन, अगर साइन इनके डिफरेंट डिफरेंट है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अगर साइन उनके सेम है, या तो दोनों प्लस प्लस हों या फिर दोनों माइनस माइनस हों, तो हम क्या करते हैं साइन चेंज कर लेते हैं और साइन चेंज कर लेके फिर ऐड करते हैं। क्योंकि साइन चेंज करके जब ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो प्लस माइनस हो जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइन हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू। तो देखो मैंने साइन चेंज, इसमें तो साइन, इसमें तो साइन डिफरेंट है दोनों के। नहीं डिफरेंट का है, देख वाई फर्स्ट इक्वेशन में माइनस है। अच्छा वाई, ये वाला देखना है वाई का। हां क्योंकि वाई के कोएफिशिएंट पहले से, ये जीरो, ये 2 और 1 नहीं देखना है। ना 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 ना, हमें वो देखना है कि जिसके कोएफिशिएंट्स आपने सेम करे हैं, और अगर सेम है पहले से तो स्टेप बच जाता है। हां उसके साइन ठीक है सर, आ गया। अब देखो 2x यहाँ पे प्लस में था, मतलब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है वो, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। y माइनस में था तो उसको प्लस कर दिया, और 1 भी प्लस में था तो उसको माइनस कर दिया। तो अब जो आपको नए वाले साइन है ना, इनके अकॉर्डिंग एड सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो y ऊपर माइनस का है और नीचे चेंज होकर प्लस का, तो y से y तो हो गया कैंसिल। ऊपर x प्लस में है और नीचे 2x माइनस में है, तो प्लस x और माइनस 2x हो जाएगा माइनस x। यहाँ देखो इक्वल टू में 2 माइनस में है और नीचे 1 भी कैसा है माइनस का, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई? अब आपने क्या करा, वाई को एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब इस एक्स की वैल्यू को आप जहां मन करे वहां पुट कर देना, ठीक, आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकेंड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर अनदर वेरिएबल। तो एक्स की वैल्यू 3 मैंने कहां पे पुट कर दी, फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में जहां पर x था उसकी जगह पर 3 पुट कर दिया, तो 3, फिर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, 3 को उधर ले गए तो माइनस हो गया, या फिर आप 2 को उधर ले आओ, तो मैंने 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया, तो 2 लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस वाई राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का वाई हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बस अब एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, तो फ्रैक्शन क्या था आपका, फ्रैक्शन था आपका एक्स अपॉन वाई, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, ये है आपका फ्रैक्शन जो मुझे आंसर चाहिए था। क्लियर? तो आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एक्स और वाई की टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ना है वर्ड प्रॉब्लम में। आप देखोगे कि आपसे पूछा क्या है, तो मुझसे फ्रैक्शन पूछा था, तो मैंने देखो फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखा है एक्स अपॉन वाई यानी कि 3/5, ये है मेरा आंसर फाइनल। ये सर 5, हाँ बेटा सर, यूवी जो हम लिखते हैं उस यूवी, यूवी कौन सा फ्रैक्शन के बाद 1/x होता है यू सर, 1/x इज इक्वल्स टू यू करके, और 1 वो बाद की, वो अभी वाले वाला क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन बाद में। अच्छा वो वाला क्वेश्चन नहीं आया, वो टॉपिक है, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन में बता दो किसका कोई डाउट हो तो। आकांक्षा कोई डाउट? ठीक। रोहन ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है देखो भी फिर से एज वाला क्वेश्चन लिखा है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 years ago, ago का मतलब होता है पहले, यानी कि उसने क्या कहा, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी। देखो ना क्या लिखा है, नूरीज एज वॉज थ्राइस, ठीक। तो नूरी की एज क्या थी, थ्राइस थी, किसकी, सोनू की एज से। एक और कंडीशन क्या थी उसने, 10 years लेटर, यानी कि अब से 10 साल बाद, 10 years लेटर, तो 10 years बाद क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू,
तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी सोनू के। मतलब क्या कि 5 साल पहले तो नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, और 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो बोल रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि तो नूरी और सोनू की एक्चुअल एज क्या है अब, आर लिखा है ना मतलब प्रेजेंट में, और हमेशा जब एज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपसे प्रेजेंट एज ही पूछेगा वो मेनली, और जो इक्वेशंस बनवाने के लिए कंडीशन देगा वो बिफोर और आफ्टर वाली देगा। तो मुझे ना तो नूरी की एज पता है ना ही सोनू की एज पता है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट एज ऑफ नूरी वो मैंने लेट किया एक्स ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू वो मैंने कितना लेट किया वाई ईयर्स। क्लियर, नूरी की एज एक्स ईयर्स और सोनू की एज वाई ईयर्स। बेटा अगर नूरी की एज अब एक्स ईयर्स है तो 5 साल पहले क्या एक्स माइनस फाइव नहीं होगी? आपकी जितनी भी एज अब होती है अब से पहले की एज पूछा जाए तो आप उसमें से माइनस कर दोगे, या कुछ सालों बाद की एज पूछी जाए तो उतना ही आप उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो पहले फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए उसने क्या कहा था कि नूरी की एज 5 साल पहले सोनू की एज के क्या है 3 टाइम्स थी, तो नूरी की एज तो हो जाएगी एक्स माइनस फाइव 5 साल पहले, और सोनू की एज हो जाएगी वाई माइनस फाइव 5 साल पहले। अब फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नूरी की एज है यानी कि एक्स माइनस फाइव वॉज थ्राइस, क्या है वो थ्राइस है यानी कि थ्री, किसकी एज के सोनू की एज के, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ वाई माइनस फाइव। लगा दी हमने कंडीशन सर। हाँ बेटा सर ये 3x-5 के डिवीजन में आ सकता था ना? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ठीक, तो नूरीज एज यानी कि एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सोनूज एज, यानी कि थ्राइस ऑफ सोनू की एज कितनी वाई माइनस फाइव। बस इसको सोल्व कर लिया आप, तो एक्स माइनस फाइव तो एज इज रहा, थ्री के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो 3y-15, बेटा 3y को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ माइनस फाइव को उधर ले जाओ, तो 3y इधर आके हो जाएगा माइनस और माइनस फाइव उधर जाके हो जाएगा प्लस। एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5 कितना माइनस 10, तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी थी, सेकंड कंडीशन थी अब से 10 साल बाद की, 10 ईयर्स लेटर। तो 10 साल बाद नूरी की एज होगी कितनी एक्स प्लस 10 और सोनू की एज हो जाएगी वाई प्लस 10, बट कंडीशन क्या दे रखी थी, उसने कहा 10 साल बाद नूरीज एज यानी कि एक्स प्लस 10 विल बी ट्वाइस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑफ व्हाट ट्वाइस ऑफ सोनूज एज, तो सोनू की एज कितनी थी वाई प्लस 10। ये रहा, यानी कि 10 साल बाद नूरी की एज यानी कि एक्स प्लस 10 ठीक इक्वल्स टू ट्वाइस, ये रहा 2 ऑफ व्हाट ट्वाइस ऑफ सोनूज एज यानी कि सोनू की एज कितनी वाई प्लस 10, तो एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 10। फिर से भाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2y प्लस 20, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। बेटा 2y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो x माइनस 2y, और 10 को उधर लेके गए तो माइनस हो गया 20 माइनस 10, ये हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस आपको सोल्व करनी है खुद, ये होमवर्क ही है आपका, और दोनों को सोल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आएगी, और x और y की वैल्यू आएगी तो मतलब आपको नूरी की एज भी पता पड़ जाएगी और सोनू की एज भी पता पड़ जाएगी। क्वेश्चन लास्ट में एक्स और वाई की टर्म्स में नहीं लिखोगे उसका आंसर, प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाना एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू दिस एंड एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू दिस, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी। क्लियर, किसी का कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? अनुश्री, अनुश्री कोई डाउट इस क्वेश्चन में? माही सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, डिफरेंस आने पे क्या करना, तो कौन सा डिफरेंस आने पे? इसी के पार्ट में समझा नहीं मैं, कुछ दोबारा बोल, डिफरेंस किस रेस्पेक्ट में? सर माइनस 10 है यहाँ पे और एक वहाँ पे प्लस पॉजिटिव का 10 है सर, तो अगर एक विश कौन सा, ये वाला माइनस 10 इसके नीचे वाला, नीचे देखो पॉजिटिव का 10 है ना इक्वेशन में, हाँ, और ये इसमें माइनस 10 है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है सर दोनों, सर तो करना क्या होता है जब डिफरेंस होएगा तब? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पहले ये चेक करना है कि आपका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए किसी एक वेरिएबल का। अब देखो आप जो नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे कौन है, यहाँ भी x है और दोनों का कोफिशिएंट 1 है,
तो मतलब x का कोफिशिएंट सेम है ना मेरा, तो इसके रेस्पेक्ट में आप सॉल्व कर लोगे। देखो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको एक बार फटाफट। सर हम टेन ले सकते हैं क्या? ना ना ना, देख x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू कितना है, माइनस टेन है, कितना है माइनस टेन। और दूसरी इक्वेशन कितनी है मेरी, x माइनस टू वाई और इक्वल्स टू कितना है टेन प्लस का, ठीक। अब मुझे करना क्या है, मुझे इनको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जिसके आपने कोफिशियंट सेम करे हैं उनके साइन देखो, कॉन्स्टेंट टर्म को तो देखना ही नहीं है। तो देखो x का कोफिशियंट यहाँ भी वन है और यहाँ भी x का कोफिशियंट कितना है वन, लेकिन दोनों के साइन भी तो सेम है, दोनों के साइन क्या है सेम, क्योंकि ऊपर भी x प्लस में नहीं, चेंज कर देंगे तो चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का टू वाई है, ये माइनस का टू वाई है, प्लस का टू वाई हो जाएगा और ये प्लस का टेन है, माइनस का टेन हो जाएगा। अब देखो x x कैंसिल, माइनस का थ्री वाई प्लस का टू वाई ये बच जाएगा, माइनस का वाई क्या बचेगा, माइनस का वाई, और इक्वल टू में माइनस टेन हो जाएगा, माइनस का ट्वेंटी, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर वाई की वैल्यू ट्वेंटी आ जाएगी। इसको कहीं भी फर्स्ट या सेकंड में पुट करके एक्स आ जाएगा, ठीक। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, देखो डिजिट वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी करा था हमने। लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नाइन, या कोई भी एक दो डिजिट का नंबर है, ठीक है, एनी टू डिजिट नंबर, उसकी डिजिट्स का सम कितना दे रखा है, नाइन दे रखा है, कितना दे रखा है नाइन। मैं आपको बता दूं, जो हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल पढ़ा था एक, तो उस एग्जाम्पल में डिजिट्स का डिफरेंस दे रखा था, ठीक। यार रोहन तेरे कोई वॉइस की प्रॉब्लम रहती है यार, तेरा नेटवर्क स्लो है, एक सेकंड इसको रिप्लाई दे दूं। ठीक, जो हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल पढ़ा था डिजिट्स के रिस्पेक्ट में, वहां पर मुझे डिजिट्स का डिफरेंस दे रखा था, तो हमने वहां पे लेट भी करा था, कंसिडरिंग एक्स ग्रेटर देन, याद हो तो सबको जिसने भी पढ़ा है, ठीक, कि मुझे क्योंकि पता नहीं था कौन सा डिजिट बड़ी है। लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं आने की, क्योंकि इस बार आपको डिजिट्स का सम दे रखा है, कोई भी दो डिजिट होंगी जो उनका सम गिवन है। उसके अलावा क्या कंडीशन गिवन है, ऑल्सो नाइन टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का नाइन टाइम्स इज टू आइस है, किसके, द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, यानी कि इस नंबर का नाइन टाइम्स किसके टू आइस है, जो नंबर डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद आएगा उसके टू आइस है, क्लियर। जो नंबर डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद आएगा उसका क्या है, टू आइस है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी दो डिजिट के नंबर हमें लेट करना होता है तो हम वंस प्लेस और टेंस प्लेस लेट करते हैं। तो मैंने लेट किया, वंस प्लेस डिजिट कितना एक्स और टेंस प्लेस डिजिट कितना वाई। फिर नंबर कैसे बनता है मेरा, हम क्या करते हैं, टेंस प्लेस वाली डिजिट को टेन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें वंस प्लेस ऐड कर देते हैं, तभी तो नंबर बनता है मेरा। तो देखो मैंने टेंस प्लेस वाली डिजिट यानी कि वाई, वाई को टेन से मल्टीप्लाई किया और उसमें वंस प्लेस यानी कि एक्स ऐड कर दिया, तो टेन वाई प्लस एक्स ये बन के आया मेरा नंबर, ये है मेरा ओरिजिनल नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा जब भी दो डिजिट के नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट लेट करनी है, और नंबर को फिर कैसे लिखना है, टेंस प्लेस को टेन से मल्टीप्लाई प्लस वंस प्लेस उसमें ऐड करके तब नंबर लिखोगे आप, क्लियर। अब कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या गिवन थी मेरा, पहली कंडीशन आपको गिवन थी कि उसकी डिजिट्स का सम नाइन है, तो डिजिट्स कौन है एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन, पहली इक्वेशन तो ये बनी, बड़ी आसान सी, कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, ठीक। दूसरी कंडीशन में क्या कहा उसने कि इस नंबर का नाइन टाइम्स, तो नंबर क्या मेरा टेन वाई प्लस एक्स, तो देखो टेन वाई प्लस एक्स का मैंने नाइन टाइम्स ले लिया, नाइन से मल्टीप्लाई कर दी, ये टू आइस है, इक्वल टू टू आइस ले लिया टू, और टू आइस किसका है, उस नंबर का जो इसके डिजिट्स को रिवर्स करके आएगा, तो डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद क्या होगा, टेन एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये, कि जहां वंस प्लेस था वहां टेंस प्लेस आ गई, जहां टेंस प्लेस था वंस प्लेस आ गई। दूसरी कंडीशन ये दे रखी थी मुझे, पहली कंडीशन क्या थी, डिजिट्स का सम नाइन था तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन, दूसरी कंडीशन क्या थी, नाइन टाइम्स ऑफ दिस नंबर, नाइन टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, तो टू से मल्टीप्लाई किया, ऑफ व्हाट, द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक। अब देखो इसको जब सोल्व करा हमने तो क्या हुआ, नाइन की पहले मल्टीप्लाई कर लो अपने ब्रैकेट में,
तो 9 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 9 टेन जा 90y और प्लस का 9x, ठीक। 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10x 20x और 2 इंटू वाई 2y, तो 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, ठीक। अब क्या करो, 90y और 9x को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो 9x उधर जाके 20x में से माइनस हो जाएगा, ऐसे 90y उधर जाके 2y में से माइनस हो जाएगा, 20x माइनस 9x बच गया 11x, और प्लस 2y माइनस 90y बच गया माइनस का 88y और इक्वल टू 0। अब देखो पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, 11 से डिवाइड हो रही है, और जब भी मेरे पास में किसी भी इक्वेशन में कोई ऊपर लिखा है ना, हाँ ऊपर लिखा है ना कि डिवाइड, हाँ 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 कि डिवाइड होएगी, हाँ लिख रखा है मैंने डिवाइड बाय 11, ठीक। तो 11 से डिवाइड कर दिया तो बच गया x माइनस 8y इक्वल टू 0, क्योंकि 11 से 11 कैंसिल होके सिर्फ x बचेगा, 88 बाय 11 हो जाएगा 8 और 0 बाय 11 0। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है मेरी, x प्लस y इक्वल टू 9, और सेकंड इक्वेशन x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखो जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो x और y आ जाएंगे, x और y आ जाएंगे तो यहाँ पुट करना नंबर में, तो आपका ओरिजिनल नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक। अब सोल्व करने के लिए भी देखो, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशियंट 1 है और सेकंड में 8 है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशियंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में भी x का कोफिशियंट 1 है, तो x की हेल्प से सोल्व कर लेना, x को एलिमिनेट कर लेना, साइन डिफरेंट सेम सेम है दोनों के, यहाँ भी x प्लस में है यहाँ पे भी x प्लस में है, तो साइन चेंज करके फिर ऐड कर देना, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, फिर x निकाल लेना किसी भी इक्वेशन में पुट करके, ठीक सर। y की वैल्यू 1 आएगी, हाँ बेटा देख लेना जो भी आएगी, ठीक, हाँ 1 ही आएगी शायद। बताओ भी किसी का और कोई डाउट हो तो। नो सर। चलो आदर्श। नो नहीं भैया। ठीक तो सॉल्व कर लेना अब इनको, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर 18 है क्या आंसर? हाँ ठीक है सर। फोर्थ मेरा म्यूट कर लेना फोन, एंड म्यूट। देखो ये कुछ कुछ वैसा क्वेश्चन है, मैं टैक्सी वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना सब्स्टिट्यूशन में, इस बार लाइब्रेरी वाला है कुछ वैसा सही लग रहा है, ना ना ये तो बैंक वाला लाइब्रेरी वाला आगे आएगा। देखा मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000। मीना एक बैंक में जाती है कितने रुपीज निकालने के लिए, 2000, 2000 रुपए निकालने के लिए, ठीक। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से क्या कहा कि आप मुझे या तो 50 के या 100 के नोट देना बस, मतलब 2000 तो रुपए उससे चाहिए, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया, मतलब 1000 या 2000 के ऐसे नोट नहीं देने हैं, 500 के या 2000 के, बस आप मेरे को क्या दो 50 और 100 के नोट्स में ही देना जो भी दो। तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, कितने नोट्स मिले 25। अब उसमें कुछ 50 रुपए के नोट थे और कुछ 100 रुपए के नोट थे, लेकिन टोटल नोट्स कितने थे 25 थे, तो आपको यही निकालना है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड, कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के नोट कितने मिले, वो आपको निकालना है। तो देखो जो मुझे नहीं पता होता वही मैं लेट करता हूँ, तो मैंने लेट करा नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, ठीक है, 50 रुपए के कितने नोट मिले उसको x मिले, मैंने x मान लिया, एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, तो 100 रुपए के कितने नोट मिले उसको y मिले, ये मैंने y मान लिया, क्लियर। अब सबसे पहली कंडीशन तो गिवन थी मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, कि मीना को टोटल 25 नोट मिले थे 100 और 50 के मिला के, तो यानी कि अगर मैं x और y को ऐड करूं तो वैल्यू 25 आएगी, x प्लस y इक्वल टू 25, तो यही होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये तो कहा था उसने कि टोटल नोट्स कितने हैं 25 है, तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स x, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स y, और दोनों को ऐड किया तो x प्लस y इक्वल टू 25। फिर कंडीशन क्या थी उसने, दूसरी कंडीशन, अच्छा हाँ टोटल 2000 रुपए हैं, कितने हैं टोटल 2000 रुपए। अब एक बात बताओ, अगर मैं 50 रुपए के नोट को उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता पड़ जाएगा 50 रुपए के कितने नोट रुपए दिए उसने, वैसे अगर मैं 100 को नंबर ऑफ नोट यानी कि वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता पड़ जाएगा 100 के कितने रुपए नोट दिए उसने, बात समझ पा रहे हो,
अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास में दस दस के पांच नोट हैं, तो आप क्या करोगे, 10 × 5 करके बता दोगे 50 रुपीज हैं, और मैं आपसे बोलूँ कि 50-50 के आपके पास में दो नोट्स हैं, तो आप बोलोगे 50 × 2 मेरे पास में 100 रुपीज हैं। मतलब अगर आपको डिनोमिनेशन पता हो, डिनोमिनेशन की कितने रुपीज हैं, ठीक है, मतलब कितने कितने नोट्स हैं और कितने हैं, कितने कितने रुपए के, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। भाई अगर 50 रुपए हैं आपके पास में, ठीक, अब मुझे कैसे पता पड़ा 50 रुपए हैं, क्योंकि मुझे ये पता था कि 10 × 5 नोट हैं, तो आपने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 × 5 50 रुपीज आ गए। या मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास में 100 रुपए हैं, लेकिन 50 50 रुपीज के हैं, तो आपके पास में 50 50 के दो नोट होंगे, तो आप क्या करोगे 50 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 50 × 200 आगे 100 रुपीज। वही सेम केस यहाँ पर है, एक्स नोट्स हैं 50 50 के, तो 50 को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा 50 × x, तो आपको ये पता पड़ जाएगा 50 50 के कितने रुपीज़ हैं। ऐसे अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई करूँ वाई से, तो आपको ये पता पड़ जाएगा 100 100 वाले कितने रुपीज़ हैं, और टोटल अगर ऐड कर दूँ 50x + 100y, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 2000 जो उसने फाइंड आउट करी थी, निकाली थी वहाँ से, विदड्रॉ करी थी, सॉरी, ठीक है, जो अमाउंट उसने विदड्रॉ करी थी वही तो आएगी टोटल निकल के। अब देखो पूरी इक्वेशन मेरी 50 से डिवाइड हो सकती है, तो मैंने लिख दिया डिवाइड बाई 50, और 50 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा भाई, हाँ, इक्वल्स टू 50। सर ऊपर क्वेश्चन में तो आपने नहीं लिखा कि डिवाइड कर सकते हैं, करना आएगा 50 से। नहीं बेटा, क्वेश्चन में सुनो, जब भी इक्वेशन होती है तो उसमें आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व कर दो 50x + 100y = 2000 लेके, आंसर तब भी सही आएगा। बस ये है कि अगर मैं कोई कॉमन फैक्टर देख लेता हूँ, उस कॉमन फैक्टर से अगर मैं डिवाइड कर दूं अपने इक्वेशन को, तो मेरी इक्वेशन छोटी हो जाती है और उसके आंसर पे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्वेशन सर बड़ी इक्वेशन से करते तो भी आंसर सेम आएगा, एक्स वाई की वैल्यू वही आएंगी जो अब आएंगी मेरी, ठीक है सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो दोनों को सॉल्व कर लेना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। यहां भी देखो एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, यहां भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, तो साइन चेंज करके ऐड कर देना, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अगर तुम मजाक वजाक में ऐसे छोड़ दो पढ़ पढ़ के क्लास, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। घर पे जाके पढ़ोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, बेसक नहीं समझ में आ रहा तो बार बार वीडियो को देखो और अच्छे समझ में आएगी चीजें। देखो फिफ्थ पार्ट सर 15 आएगी माइनस की, नहीं 15 ही आ रहे, 15 आ रहे, माइनस कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव आएगी वैल्यू सर, पॉजिटिव आएगा कर जाएगा ना, ठीक ठीक ठीक, एक 15 और एक 10, ठीक है। देखो इधर, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ब्रेक लाइब्रेरी है जो कि बुक्स देती है रेंट पे, ठीक, उसके लिए एक फिक्स चार्ज है शुरू के 3 दिन के लिए, समझ आ रहे हो बात को। आप 1 दिन के लिए बुक लेके आओ तो भी आपको 3 दिन का चार्ज देना है, आप 2 दिन के लिए बुक लेके आओगे तो भी 3 दिन का चार्ज देना है, अगर आप 3 दिन के लिए बुक लेके आ रहे हो तो भी 3 दिन का चार्ज देना है, यानी कि जो 3 दिन का चार्ज है ना वो फिक्स है, ठीक। उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद में फिर एडिशनल चार्ज है हर दिन का, मतलब शुरू के 3 दिन तक के लिए तो एक ही चार्ज है जो फिक्स है, उसके बाद फिर हर दिन पे कितना चार्ज लगेगा वो अलग है, ठीक। यानी कि शुरू के 3 दिन तक तो तुम्हें एक चार्ज देना है, और 3 दिन के बाद अगर आप बुक रखते हो तो पर डे के हिसाब से फिर वो चार्ज भी उसमें ऐड करके देना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, लिखा सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ड फॉर 7 डेज, बेटा सरिता ने एक बुक रखी अपने पास 7 डेज के लिए, कितने दिन के लिए रखी, 7 डेज के लिए, ठीक, और टोटल उसे कितने अमाउंट पे करना पड़ा, 27 पे करना पड़ा, यानी कि 7 दिन का चार्ज उसने कितने रुपीज दिया, 27। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज, लेकिन सूजी ने एक बुक रखी है 5 डेज के लिए, तो उसे कितने रुपीज चार्ज देने पड़े, 21 देने पड़े। तो मुझे वही दो चीजें निकालनी, एक तो मुझे फिक्स चार्ज नहीं पड़ता, लिखा उसने फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, कि फिक्स चार्ज निकालो और एक्स्ट्रा डे का चार्ज निकालो हर दिन का, वही मैंने लेट कर लिया, फिक्स चार्ज मैंने लेट करा रुपीज एक्स, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल्स टू रुपीज वाई, ठीक। अब देखो कंडीशन कैसे बनी, फर्स्ट इक्वेशन में मेरा फर्स्ट कंडीशन में सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी थी 7 डेज के लिए,
कितने डेज के लिए बुक रखी थी सरिता ने? 7 डेज के लिए, ठीक। अब 7 में से जो 3 डेज का चार्ज है वो तो फिक्स है, 3 डेज का चार्ज क्या है? फिक्स, तो वो कितना मान रखा है आपने? एक्स, तो ये रहा एक्स। लेकिन बाकी जो कितने डेज बच गए? बाकी बच गए 4 डेज। कितने बच गए? 4 डेज। तो उन 4 डेज का चार्ज आपको पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 1 डे का चार्ज जो है एक्स्ट्रा 3 दिन के बाद, वो वाई है, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा? 4y। देखो ये रहा 4y, और अगर आपने इस एक्स में 4y ऐड कर दिया तो टोटल अमाउंट 27 आ रही थी, वो मुझे गिवन थी, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहां से। समझ पाए बात को? और समझो अच्छी तरीके से, सूजी के केस में, सूजी ने एक बुक ली और कितने दिन तक रखी उसने? 5 दिन तक। और कितनी अमाउंट आई? 21 आई। कितनी आई? 21। लेकिन रखी कितने दिन है उसने बुक? 5 डेज रखी है। कितने डेज रखी है? 5 डेज। अब उसने क्या करा होगा? उसने 3 दिन का तो फिक्स चार्ज दिया होगा। 3 दिन का क्या दिया होगा? फिक्स चार्ज। कितना? एक्स, तो देखो ये रहा एक्स। फिर प्लस, फिर उसने एक्स्ट्रा डेज पर डे के हिसाब से दिया होगा चार्ज। अब एक्स्ट्रा डेज कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। एक्स्ट्रा डेज कितने बचे? 2। तो 2 दिन का चार्ज उसने पर डे के हिसाब से दिया होगा, तो पर डे वाई है, तो 2 दिन का हो गया 2y, तो x प्लस 2y। और टोटल अमाउंट कितनी पे करी उसने? 21। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। सर y की वैल्यू 3 रुपीज है और फिक्स चार्ज है 15 रुपीज और एक्स्ट्रा चार्ज है 3 रुपीज। 3 रुपीज पर डे, वेरी गुड। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक बेटा, आप भी ऐसे बैठ के सोल्व कर सकते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ी सी, अब आ जाएगी। आ रही है ना अब? यस सर। तो ये वाले क्वेश्चन बता दो किसका कोई डाउट हो तो। अब सर नो नहीं है। लक्ष्य, लक्ष्य कोई डाउट? देखो नाम में ऐसे ही बोल देते हो रैंडमली, इसका भी दिक्कत नजर आता है मुझे, कोई बुरा मत मानना। सर नो। ठीक, तो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स थी, 5 ही थी, इनको आपको करना है क्लियर। तो इनको सोल्व करके इनके आंसर्स निकाल लेना। अगली क्लास में मंडे में हम टॉपिक शुरू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हमें सीखना है ठीक, क्योंकि एग्जाम में 99% क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि इस मेथड से सोल्व करो ठीक। और जो मैंने अभी आपको मेथड सिखाया है ना, पिछली 2 क्लास से जो चल रहा है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, क्योंकि बच्चे इस वाले मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ठीक, और इजीली सोल्व भी कर लेते हैं। तो आप भी कोशिश करना इससे करो, जल्दी आंसर निकल जाता है ठीक है ना, और कंफर्टेबल भी है सब इसी के लिए। चलो फिर मैं, हाँ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 वैल्यू खाली रखते हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट।